हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 72। अब आगे। इधर जानवी रुद्र को किचन मिला। जल्दी से उसकी तरफ हनी से भरा हुआ बाउल भराते हुए बोली, इसे जल्दी से पी लीजिए, आपको राहत मिलेगी। रुद्र उसके हाथों से बाउल ले तो लेता है, लेकिन वो उसे पीता नहीं है। ये देख जानवी बोली, क्या वो पीजिए ना। इधर रुद्र के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो एक नजर बाउल को देख फिर जानवी को देखकर बोला, नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। इतना बोल रुद्र जानवी की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जानवी पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मतलब क्या चाहिए आपको। बोलते हुए जानवी स्लैब से टकरा जाती है। वहीं रुद्र बाउल स्लैब पर रख जानवी के दोनों तरफ स्लैब पर अपना हाथ धीरे से बोला, तुम। इतना बोल वो छत से उसकी होठों पर अपनी होंठ रख देता है। इधर रुद्र के इस एक्शन से जानवी जम सी गई थी, उसे तो समझ ही नहीं आया अभी अभी हुआ क्या। वहीं रुद्र जानवी के चेहरे को थाम बड़ी पैशनेटली जानवी के होठों को चूम रहा था। वो उसके होठों के हर एक कोने को अपनी टंग से फील कर रहा था। तभी अंशु की आवाज आती है, सॉरी सॉरी। इधर अंशु को देख जानवी घबरा गई थी। वो जल्दी से रुद्र को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन हमारा रुद्र ठहरा रुद्र। जब जानवी उसके पास होती है तो कहां ही इसे दुनियादारी की कोई फिक्र होती है। वो तो बेफिक्री से जानवी को किस किए जा रहा था। इधर अंशु जल्दी से पीछे मुड़कर बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आप यहाँ रोमांस कर रही हो, वरना सच्ची मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। पर आप दोनों चिंता मत करो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ और मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, आप लोग अपना कंटिन्यू करो। इतना बोल अंशु जल्दी से बाहर निकल जाती है। इधर शर्म के मारे जानवी के काल गुलाबी हो गए थे। वो अपनी पूरी ताकत लगा रुद्र को खुद से दूर करती है। ये आपने क्या किया, अब अंशु मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, जानवी गुस्से से बोली। जानवी की बात सुन रुद्र से अपनी तरफ खींचकर बोला, यही कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जानवी उसको धक्का देकर बोली, यहाँ कोई मजाक चल रहा है। नो, आई एम सीरियस। फिर जानवी के बाजू को कसकर पकड़ कर बोला, मिस जानवी कपूर, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई एम इन डीपली लव विद यू। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। इधर रुद्र की बात सुन जानवी के दिल की धड़कनें बड़ी तेजी से धड़कने लगी थी। वो आंखें फाड़े रुद्र को ही देख रही थी। क्या कहा आपने, आप मुझसे प्यार। तभी अचानक से रुद्र जोर जोर से हंसने लगता है। रुद्र को हंसते हुए देख जानवी कंफ्यूज हो जाती है। इधर रुद्र अपनी हंसी रोक जानवी से बोला, ओ स्वीट हार्ट, यू आर टू इनोसेंट। जानवी गुस्से से बोली, मतलब आप मजाक कर रहे थे। रुद्र छत से उसके बेहद करीब आकर बोला, बिल्कुल। जानवी जल्दी से एक कदम पीछे हो जाती है। इधर रुद्र हंसते हुए बोला, जान जान जान, तुम क्यों भूल जाती हो, रुद्र सिंह रजावत को कभी प्यार नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इतना बोल रुद्र अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी जानवी की आवाज आती है, लेकिन मैं जो आपसे प्यार कर बैठी हूं इसका क्या। जानवी की बात सुन रुद्र के चलते हुए कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो आश्चर्य भरी नजरों से जानवी को देखने लगता है। इधर जानवी रुद्र के पास प्यार से उसके चेहरे को थाम कर बोली, जी हाँ मिस्टर रुद्र सिंह रजावत, बेइंतहा मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे, बेइंतहा। वही रुद्र बस जानवी की आंखों में ही देख रहा था। उसके दिल में एक अलग सी गुदगुदी हो रही थी। इधर जानवी धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ने लगती है। ये देख रुद्र की आंखें भी अपने आप बंद हो जाती है।
तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। रुद्र छत से अपनी आंखें खोल सामने देखता है। सामने जानवी को हंसते हुए देख तब जाकर रुद्र को समझ आता है। वो गुस्से से बोला, ये मजाक था। इधर जानवी अपनी हंसी रोक रुद्र से बोली, क्यों, आपको क्या लगता है मजाक सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं? इतना बोल जानवी जाने लगती है, लेकिन फिर रुक रुद्र के शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए बोली, और हाँ, अगली बार से देखकर पंगा लीजिएगा। इतना बोल जैसे ही जानवी दरवाजे की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखों के कोने से एक कतरा आंसू बह जाता है। बेशक जानवी ने रुद्र को मुंह तोड़ जवाब दे दिया हो, लेकिन उसे अंदर से उतनी खुशी नहीं मिल रही थी। मन ही मन उसे रोने का मन कर रहा था, शायद एक पल के लिए सही, लेकिन रुद्र ने जो कहा उसे जानवी ने सच मान लिया था। वो छत से अपनी आंसू पोंछ किचन से बाहर निकल जाती है। इधर जानवी की बातें अब भी रुद्र के कानों में गूंज रही थी। बेइंतहा मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे, बेइंतहा। क्यों, आपको क्या लगता है मजाक सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं? गुस्से में रुद्र की मुट्ठी कस जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था जानवी की बातों से उसके दिल में इतनी चुभन क्यों हो रही है। आखिर क्यों? प्यार के फूल दोनों तरफ ही खिल चुके थे, अब बस उस एहसास को समझना बाकी रह गया था। इधर आश्रम की ऑफिस में रुमा जी कुछ फाइल्स ड्रॉयर पर रख रही थी, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। दरवाजे पर खड़े शख्स को देख रुमा जी जल्दी से बोली, अरे बेटा आप अंदर आओ ना, आप नॉक क्यों कर रहे हो? रुद्र ऑफिस के अंदर आता है। रुमा जी बोली, कुछ काम था बेटा? रुद्र एक चेक उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरी तरफ से। उस चेक पे लिखे रुपीस को देख रुमा जी के हाथ कांपने लगते हैं। एक करोड़? वो जल्दी से रुद्र को मना करते हुए बोली, बेटा ये मैं कैसे ले सकती हूँ? रुद्र उनके हाथ में चेक थमाकर बोला, बेटा कहा है आपने मुझे, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। रुद्र की बात सुन रुमा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्यार से रुद्र के चेहरे को थाम कर बोली, सच्ची जानवी बेटा बहुत लकी है जो उसे आप मिले हो। तभी रुद्र उनसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन रुमा जी की आंखें फैल जाती हैं। कुछ देर बाद जानवी उनके ऑफिस के अंदर आकर बोली, आंटी मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे सब पता है बेटा। रुमा जी बोली, क्या पता है आपको? जानवी कन्फ्यूजन में बोली, यही कि वो आपके होने वाले पति नहीं बॉस है। आपको कैसे पता? जानवी की बात सुन रुमा जी बोली, आपके बॉस ने बताया। सर ने? जानवी हैरानी से बोली, और पता है उन्होंने क्या कहा? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपको ना डांटो। सच्ची आप बहुत लकी जो आपको इतने अच्छे बॉस मिले। उनकी बात सुन जानवी रुद्र के बारे में सोचने लगती है। इधर रुमा जी आगे बोली, और आपको पता है उन्होंने इस आश्रम के लिए क्या किया? जानवी उनकी आंखों में देखती लगती है, मानो पूछ रही हूँ क्या किया। रुमा जी बोली, 1 करोड़ डोनेट किया उन्होंने ताकि हम इस आश्रम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। मानना पड़ेगा बहुत ही अच्छे इंसान है आपके बॉस। तभी रुमा जी का फोन रिंग करता है। फ्लैश हो रहे नाम को देख रुमा जी जानवी से बोली, बेटा 1 मिनट। इतना बोल रुमा जी कॉल रिसीव कर आगे बढ़ जाती है। इधर रुमा जी की बात याद कर जानवी खुद से बोली, आपको समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है सर? कौन सा रूप है आपका, कुछ देर पहले वाला या ये वाला? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।